अस्सलाम वालेकुम आई जो फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो यहाँ बात की जाए अगर हाउसवाइफ की, तो उसका सारा दिन जो है वो घर के कामों में, किचन के कामों में ही गुजरता है। तो वहाँ पर अगर हेल्प की बात आए तो नीड होती है हमें इस तरह के गैजेट्स की। तो यहाँ पर जो है आपके साथ कटर्स, चॉपर्स शेयर करूँगी, जो कि बिल्कुल नॉर्मल कॉस्ट में आप ख़रीद सकते हो और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। ना इनमें कोई लाइट का इशू होता है और ना आपको कोई लाइट का वेट करना पड़ता है। ये सिर्फ जो है बग़ैर लाइट के यूज़ होते हैं और जिनसे ये है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और आपको सारा दिन जो है वो किचन में काम में ही जो है लगे रहते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि आपके साथ जल्दी वर्क करती हैं, कुछ चॉपर्स। तो यहाँ आप जो चॉपर्स देख रहे हैं कि ये है एक मिनी चॉपर, तो यहाँ पर मैं इसके अंदर पीस रही हूँ लहसुन। अच्छा, लहसुन को मैंने जो है वो छीला भी नहीं है और मैं डायरेक्ट इसके ऊपर जो है वो लहसुन को अप्लाई कर रही हूँ, ये देख रहे हैं आप। तो ये बहुत अच्छा और बहुत हार्ड है, ऐसा भी नहीं है कि आप इसके ऊपर ज़ोर लगाएं तो ये टेढ़ा हो जाए या कोई, ये सब बहुत हार्ड है और बहुत अच्छे से जो है ये चॉप करता है। इसके ऊपर आप लहसुन ही नहीं बल्कि अदरक भी इसके ऊपर आप चॉप कर सकती हो बासानी, और कोई भी चीज़ अगर आप इसके ऊपर चॉप करना चाहें तो ये बिल्कुल हार्ड है, बहुत अच्छा है और बासानी जो है इसे आप, बाज़ लोग तो ये होता है कि फ्रिज में आप चॉप करके पीस के एक साथ रख देती हैं, पर बाज़ जो हाउसवाइफ हैं वो एट ए टाइम जब हम खाना बना रहे होते हैं उसी वक्त जो है वो उसकी गज़ाइत अलग होती है, ज़ाहिर है उसका टेस्ट अलग होता है। तो मैं भी जो है वो रेगुलर बेसिस पे ही लहसुन अदरक का पेस्ट बनाती हूँ और उसी वक्त जो है वो सालन में यूज़ करती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये छिलका इसका एक तरफ हो गया है, बिल्कुल बारीक पीस देता है जैसे कि आप जूसर में पीसती हैं, बिल्कुल इसी तरह से, और मिनटों में काम करता है। तो यहाँ पे आपको कोई इतनी मेहनत भी नहीं है और ना इसके कोई इतने प्राइस हैं, आपको जो है वो 150-200 रुपए में ही आपको मिल जाएगा और ये बहुत अच्छा वर्क करता है और बहुत टाइम से है ये मेरे पास। यहाँ पर नेक्स्ट गैजेट है ये कटर, और ये कटर भी बहुत ज़बरदस्त है, ये भी मेरे पास काफ़ी टाइम से है और मैं इसको छीलने के लिए यूज़ करती हूँ, जैसे कि पोटैटो हो गया, एप्पल हो गया। तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है और बहुत जल्दी, नाइफ के मुकाबले में ये बहुत स्पीड से इसको आप जो है यूज़ कर सकती हैं, बहुत जल्दी वर्क करता है। इसके अलावा आप जो है वेजिटेबल्स हो गई, टिंडे, तोरी, लौकी, इस तरह की चीज़ें, तो गाजर है, ये सब चीज़ें जो है वो बहुत बासानी है आपके जो है वो छील देता है। तो जब से तकरीबन ये आया है मैंने जो है वो नाइफ से नहीं छीला, मैं इसी से ही छीलती हूँ और इसी से छीलना मुझे बहुत इजी लगता है और फटाफट ये वर्क करता है। तो ये भी आपको मार्केट में कोई इतने नहीं, वही 150-200 तक का या 250 तक का मिल जाएगा, ये भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह का आप भी अपने किचन में यूज़ किया करें जो, जिससे कि आपको आसानी हो, आपका काम जल्दी हो। यहाँ पर जो आप चॉपर देख रहे हैं ये मैंने दराज से ऑर्डर किया है, तो ये तकरीबन इसको भी मुझे टाइम हो गया है, दराज से ऑर्डर किया था मैंने, ये तकरीबन 450 का था शायद, इसी रेंज में ही था, अब हो सकता है कि 500 का हो गया हो, बट ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है। इसके अंदर ये जो है आप कुछ भी चॉप कर सकती हैं, हरी मिर्चें, प्याज, लहसुन, अदरक, जो भी आप चाहें इसको जो है ना बासानी बहुत अच्छे से चॉप कर सकती हैं, टमाटर भी इसके अंदर हो जाते हैं। तो ये कि आपको लाइट का वेट नहीं करना पड़ता, आप इसी के अंदर जो है वो चॉप करें और उसी वक्त सालन में अपने ऐड कर लें, तो ये भी बहुत अच्छा चॉपर है। तो इसी तरह के जो क्विकली गैजेट्स होते हैं उनको आप यूज़ करके अपने टाइम की सेविंग कर सकती हैं और अपना काम भी जल्दी कर सकती हैं। या वीडियो अच्छी लगी हो तो कर देना है लाइक और मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।